जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुलेट की हेडलाइट के बारे में। दोस्तों हमारे पास जो जो बुलेट की जो हेडलाइट आती है, जो जो इनबिल्ट जो आती है बुलेट में, उसकी जो इतनी कम उसकी दोस्तों लाइट होती है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनकेस अगर आपको इसको बाइक को ट्रैवलिंग पे लेके जाना है, कहीं वेकेशन पे लेके जाना है, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ों में जा रहे हैं, मनाली वगैरह जा रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं उस लाइट के साथ। वो तो कुछ दिखता ही नहीं है उसमें, रात के समय तो बहुत इशू आता है। येलो कलर का एक बल्ब सा लगा रहता है छोटा सा, बिल्कुल बेकार रहता है। और दोस्तों फिर मैंने उस परेशानी को हटाने के लिए मैंने ये एक अलग से हेडलाइट ली थी करोल बाग से। दोस्तों मैंने इसको बाय किया था, ये मुझे अराउंड 3800 की पड़ी थी, 3700-3800 की पड़ी थी इंस्टॉलेशन के साथ में। और दोस्तों ये 110 वॉट्स की है, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों उसकी लाइटिंग है, बहुत ही मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, इससे ऊपर हेडलाइट नहीं है, हेडलाइट नहीं थी उनके पास। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हेडलाइट है और आप जब इसको चलाएंगे दोस्तों पूरी रोड जगमग रहती है इसमें रात के समय पर, और बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो मैं फिर भी आपको जला के दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी लो बीम हाई बीम इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों, ये देख सकते हैं। बट क्योंकि अभी नाइट है, सॉरी डे है, तो डे की वजह से आप इतना अच्छे से देख नहीं पाएंगे। आप ये देख सकते हैं जो बीच की जो सेंटर में जो लाइन है, ये व्हाइट एंड येलो दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम लो पे करते हैं तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम हाई पे इसको रखते हैं तब ये व्हाइट रहती है। देख पा रहे होंगे दोस्तों अगर दोस्तों आपको दिख रहा हो तो, अब दोस्तों मैं इसको सिर्फ एक वन नंबर पे कर देता हूँ तो जस्ट ये इस तरह से चलती है। जब आप बाइक नॉर्मल बाइक राइड कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको चला सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है आप देख सकते हैं। अलग ही इसकी इसकी बात बनती है, अलग ही दिखती है, यकीन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये हेडलाइट है, आप भी इसको बाय कर सकते हैं। मैंने इसको करोल बाग से बाय किया था रॉयल बुलेट की शॉप से, काफ़ी फेमस शॉप है। आप भैया का चैनल भी है यूट्यूब का, यूट्यूब पे रॉयल बुलेट भैया वाले भैया का, शायद से उनका नाम अमन है कुछ है, पतले से उनके लंबे बाल वाले हैं, उन्हीं की शॉप से मैंने इसको बाय किया था। आप भी वहाँ से बाय कर सकते हैं, बहुत एक नंबर की दोस्तों ये हेडलाइट है। दोस्तों मेरी तरफ से इस हेडलाइट के लिए थम्स अप है, ये वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइट्स थी उनके पास, मतलब ये बेस्ट थी, इसके ऊपर उनके पास हेडलाइट नहीं थी। तो आप भी इसको बाय करें, मैं तो कहूँगा कि आप इसी वाली को बाय करें 110 वॉट्स को, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हेडलाइट है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। एक बार को लाइक मत कीजिए पर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।